बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सेकंड लेक्चर ऑफ़ माय बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोर्स पार्ट, एंड द सेकंड लेक्चर इज़ मोस्टली कवर्ड द वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक विच इज़ अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन स्ट्रक्चर। एज़ यू नो that we will again and again study different metalloproteins in our bioinorganic course. And before studying metalloproteins, metalloenzymes and their functions, it is important to know that what are basically the proteins and protein structures, and what are the building blocks of these proteins, that is amino acids. Okay, so let's start. Amino acids are polymers of are building blocks of proteins. And what are amino acids? Amino acids are basically this type of compound ye aapke samne hai, theek hai? Kya kya cheeze hoti hai ek amino acid mein? ये आप सामने आप देख रहे हैं, एक कार्बन है जिसके साथ फोर डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं। ये हो गया अमाइनो ग्रुप, ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ये हो गया हाइड्रोजन, और ये हो गया आर ग्रुप। आर मीन एनी चेन, ठीक है? तो नॉर्मली देर आर 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स, ठीक है, जिनसे मिलकर प्रोटीन्स बनती हैं, ठीक है। और अगर आप इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर देखें तो ये आपको थ्री डायमेंशन में बहुत क्लियरली नज़र आएगा कि ये कार्बन है हमारा, ठीक है, अल्फा कार्बन, जिससे चार डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हैं, ठीक है। और इसके साथ ये हो गया हाइड्रोजन, ठीक है, ये हो गया अमाइनो ग्रुप, ठीक है, ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है, और ये हो गया साइड चेन आर, जो कि इस तस्वीर में आपको जो नज़र आ रही है वो CH2 है, और CH2 के साथ अटैच है कार्बोक्सिलिक, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट अमीनो एसिड्स होते हैं, और ये जो 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स हैं ये किस बेस पर हैं? दैट एवरी वन कंटेन अ यूनिक आर साइड चेन, यानी ये जो आर साइड चेन है ना, इसकी वजह से 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स बनते हैं। और डेफिनेटली इन तमाम अमीनो एसिड्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये होती है कि दे पजेस एटलीस्ट वन एसिमेट्रिक कार्बन, ठीक है, ये एसिमेट्रिक कार्बन ही है जो आपके सामने है, एक्सेप्ट ग्लाइसिन। अब ग्लाइसिन में क्यों नहीं होता एसिमेट्रिक कार्बन? उसकी रीज़न ये है कि ग्लाइसिन जो अमीनो एसिड है उसमें, ये अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो ये जो सी है इसके ऊपर एक एच है, और यहाँ पर आर के बजाय दूसरा भी एच होता है, यानी ये जो ग्रुप होता है कार्बन का, ये CH2 होता है, ठीक है, NH2, CH2 एंड COOH, और ये ग्लाइसिन होता है। तो क्योंकि इस कार्बन पर दो हाइड्रोजन हो गए तो फिर अब कार्बन एसिमेट्रिक तो नहीं रहा, ठीक है, कार्बन तो अब सिमेट्रिक बन गया। सिमेट्रिक क्यों बन गया? क्योंकि उसके ऊपर और नीचे दोनों जगह जो है वो हाइड्रोजन लगा हुआ। तो सिवाय ग्लाइसिन के बकिया जितने भी अमीनो एसिड्स हैं उन सब के पास एसिमेट्रिक कार्बन होता है, एटलीस्ट एक एसिमेट्रिक कार्बन होता है, इसके अलावा भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो एसिमेट्रिक कार्बन, जिसको एटलीस्ट वन एसिमेट्रिक कार्बन कहा जा रहा है, ये वो कार्बन है कि जिसके साथ अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर चल रहा होता है, यानी कि जिस पे आर ग्रुप भी अटैच होता है, जिस पर अमीनो ग्रुप भी अटैच होता है, और जिस पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी अटैच होता है। इसकी मज़ीद तफसील आप अमीनो एसिड्स के जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं उनको देख सकते हैं। मैंने बहुत ही क्लियर पिक्चर्स जो हैं वो यहाँ इस लेक्चर में लगाई हैं। ये आपके याद करने के लिए नहीं है, लेकिन आपको समझना आना चाहिए कि किस तरीके से अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर्स होते हैं और उनमें कहाँ कहाँ चेंजेस आते हैं जिससे वो चेंज हो जाते हैं। थोड़े से आपको आपकी नॉलेज के लिए ये मैं बता सकती हूँ, ये मैंने अभी जिक्र किया कि ये कार्बन है हमारा,
इससे अमाइनो ग्रुप अटैच है, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच है और ये दो हाइड्रोजन अटैच हैं। तो दिस इज़ अ सिंपल अमाइनो एसिड विच इज़ ग्लाइसिन। इसके बाद ये एलानिन आया और यहाँ से एसिमेट्रिक कार्बन शुरू हो गए, ठीक है। यही हमारा अल्फा कार्बन है जिस पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइनो ग्रुप अटैच्ड है, एक हाइड्रोजन अटैच्ड है और एक जो आर चेन है वो इसमें सिंपल मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। देन सो ऑन, इस तरीके से ये जो आर चेन है ये आपके सामने आप देख रहे हैं बदलती जाएगी और इसके बदलने से जो है वो अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर जो हैं वो बदलते जाएंगे, ठीक है। इन अमाइनो एसिड्स को मज़ीद आसान करने के लिए इनकी मज़ीद डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है कि जैसे कि जो एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स हैं उनको अलहदा कर लिया जाए। एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स कौन कौन से हैं? ग्लाइसिन, ठीक है। अब ये सिर्फ आर ग्रुप की बात हो रही है, इधर सिर्फ आर ग्रुप मेंशन है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है जो अक्सर आप लोग देखते हैं बुक्स में या किसी भी मटेरियल में कि अमाइनो एसिड्स को लिखने के लिए उनका पूरा नाम अक्सर नहीं लिखा जाता, बल्कि या तो उनका थ्री लेटर कोड लिखा जाता है या उनका ओनली वन लेटर कोड लिखा जाता है। तो यहाँ पर आपके सामने ग्लाइसिन का थ्री लेटर कोड भी है और वन लेटर कोड भी है। थ्री लेटर कोड ग्लाइसिन का GLY है, जबकि वन लेटर कोड जो है वो कैपिटल G है, ठीक है। इसी तरीके से एलानिन हो गया, ठीक है, जिसमें मिथाइल ग्रुप है। वेलिन हो गया जिसमें आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। ल्यूसीन हो गया जिसमें हमारे पास आइसोब्यूटाइल ग्रुप है। और आइसोल्यूसीन हो गया जिसमें ल्यूसीन में हमारे पास जो है वो न्यू ब्यूटाइल ग्रुप है, जबकि आइसोल्यूसीन में हमारे पास आइसोब्यूटाइल ग्रुप है, ठीक है। तो इस तरीके से ये डिफरेंट ग्रुप्स चलते रहते हैं। पोलर अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं? पोलर अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जिनकी आर साइड चेन जो है वो पोलर होती है, जैसे कि सेरीन जिसका थ्री लेटर कोड SER है और वन लेटर कोड S है। इसकी जो साइड चेन है, जो आर ग्रुप है, वो CH2OH है। अब इस OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से ये साइड चेन पोलर है। तो जिन भी अमाइनो एसिड्स की साइड चेन यानी आर ग्रुप पोलर होता है वो अमाइनो एसिड्स पोलर अमाइनो एसिड्स कहलाते हैं। जैसे कि ये थ्रियोनिन हो गया, THR इसका थ्री लेटर कोड है और वन लेटर कोड हो गया T, ठीक है। ये आप देख रहे हैं इस पर भी OH ग्रुप लगा हुआ है। एस पाराजिन हो गया जिसका थ्री लेटर कोड ASN है, जबकि वन लेटर कोड N है। और इस पर आप देख रहे हैं ये कार्बोनाइल और NH2 यानी पूरा अमाइड ग्रुप जो है वो लगा हुआ है। ग्लूटामिन जिसके ऊपर भी अमाइड ग्रुप है, लेकिन एस्पारजिन और ग्लूटामिन में फ़र्क जो है वो एक पूरे मिथाइल ग्रुप का होता है। इसके अलावा एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स वो होते हैं कि जिनकी साइड चेन या आर ग्रुप जो है वो एरोमेटिक हो, जैसे कि फिनाइल एलानिन, PHE इसका थ्री लेटर कोड है और F इसका वन लेटर कोड है। और ये आप इसकी साइड चेन देख रहे हैं, CH2 के साथ जो है ये पूरी की पूरी फिनाइल रिंग लगी हुई है। ट्रिप्टोफैन ये भी आपके सामने है, एरोमेटिक रिंग है। टायरोसिन ये भी एरोमेटिक रिंग है। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स दो हैं, एक मिथायोनिन है जिसमें चेन के आगे जाके सल्फर आता है और एक सिस्टीन है जिसमें इसमें भी सल्फर आता है, लेकिन सल्फर की एक साइड पर कार्बन चेन होती है जबकि दूसरे साइड पर सिर्फ हाइड्रोजन होता है। तो ये फ़र्क होता है मिथायोनिन और सिस्टीन में। सिर्फ एक अमाइनो एसिड ऐसा है जो कि सेकेंडरी अमीन ग्रुप जिसमें लगा हुआ है, जो कि प्रोलीन अमाइनो एसिड है। सेकेंडरी ग्रुप का मतलब ये हुआ कि ये जो N है इसमें अमाइनो ग्रुप है, ये साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है। सेकेंडरी इसलिए है क्योंकि ये NH3 नहीं है, ये ओपन चेन में नहीं है, बल्कि ये साइकिल में है। प्रोलीन हो गया। इसके अलावा ये चार्ज्ड अमाइनो एसिड्स हैं। एसिडिक चार्ज दो तरीक़ों से हो सकते हैं, एसिडिक भी हो सकते हैं और बेसिक भी हो सकते हैं। एसिडिक में कौन से हैं? एस्पार्टेट है, ठीक है, जिसमें कार्बोक्सिलेट ग्रुप लगे हुए होते हैं। ग्लूटामेट है, इसमें भी कार्बोक्सिलेट ग्रुप है। एस्पार्टेट और ग्लूटामेट में जो फ़र्क है वो CH3 ग्रुप का है। बेसिक अमाइनो एसिड में अगर आप देखें तो लाइसिन जिसका वन लेटर कोड K है, इसमें ये लॉन्ग कार्बन चेन के साथ जो है ये अमाइन ग्रुप लगा होता है। और आर्जिनिन है, इसमें भी आप देख सकते हैं ये इमीन ग्रुप लगा हुआ है। और हिस्टिडीन है, इसमें आप देखें तो साइक्लिक अमाइन ग्रुप लगा हुआ है।
तो ये सारे के सारे जो हैं ये एसिडिक एंड बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं जो कि चार्ज्ड अमाइनो एसिड्स कहलाते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो है ये अमाइनो एसिड्स की डिफरेंट क्लासिफिकेशंस होती हैं। ये आपको याद नहीं करनी, लेकिन आपको समझना आना चाहिए अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर, और उसको देख के पहचानना आना चाहिए कि व्हाट इज़ दिस स्ट्रक्चर। एलिफेटिक है, एरोमेटिक है, चार्ज्ड है, सल्फर कंटेनिंग है, जो भी है, तो वो आपको समझ में आना चाहिए कि ये किस किस्म का अमाइनो एसिड है। अब हम आ जाते हैं अमाइनो एसिड से बनने वाले प्रोटीन स्ट्रक्चर की तरफ। लेकिन प्रोटीन स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हम जो चीज़ पढ़ेंगे वो है पेप्टाइड बॉन्ड। व्हाट इज़ अ पेप्टाइड बॉन्ड? अभी हमने इससे पहले पढ़ा अमाइनो एसिड। अब दो अमाइनो एसिड मिलकर एक रिएक्शन होता है और दो अमाइनो एसिड के दरमियान और पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। और जब ये बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड बन जाते हैं बहुत सारे अमाइनो एसिड्स के दरमियान, तो फिर एक प्रोटीन स्ट्रक्चर बन जाता है। प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एंजाइमेटिक पॉलीमराइजेशन ऑफ द 20 कॉमन अमाइनो एसिड्स कनेक्टेड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय डिहाइड्रेशन। ये आपके सामने है, ये एक अमाइनो एसिड है जिसका कार्बोक्सिलेट ग्रुप जो है वो रिएक्टिंग पोजीशन पर है। ये अमाइनो एसिड नंबर टू है, इसका अमाइनो ग्रुप जो है ये रिएक्टिंग पोजीशन पर है। जब ये कार्बोक्सिलेट और अमाइनो ग्रुप आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, यहाँ से 2H और यहाँ से एक, ये जो एक्चुअली ये जो नेगेटिव ऑक्सीजन है ये अटैक करेगा इस पर एन के ऊपर, सॉरी ये हाइड्रोजन जो है ये इस ऑक्सीजन पे अटैक करेंगे और वाटर मॉलिक्यूल पूरा रिलीज हो जाएगा, जिस सूरत में ये जो कार्बोनाइल है ये अटैच हो जाएगा इस नाइट्रोजन के साथ अमाइन ग्रुप के साथ, और ये कार्बोनाइल और अमाइन ग्रुप मिलकर अब बना देंगे अमाइड ग्रुप। ठीक है, और ये जो बॉन्डिंग है बिटवीन कार्बोनाइल ग्रुप एंड NH ग्रुप, ये बॉन्डिंग जो है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है बेसिकली पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, और जब ये बहुत सारे अमाइनो एसिड्स के दरमियान ये रिएक्शन होता रहेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनते रहेंगे, ये आपके सामने है, जैसे कि ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसमें जो पहला अमाइनो एसिड होगा जिसका अमाइनो ग्रुप फ्री होगा, अमाइनो ग्रुप फ्री होगा उसको अमाइनो टर्मिनल कहते हैं प्रोटीन का, और जिस आखिरी अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री होता है उसको हम कार्बोक्सिल टर्मिनल कहते हैं या सी टर्मिनल कहते हैं प्रोटीन का। तो इस तरीके से पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, और पेप्टाइड बॉन्ड बनने के बाद प्रोटीन बनती है। अब हम आ जाते हैं व्हाट इज़ द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन। जैसे कि अभी मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया कि जब सारे अमाइनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड बना लेते हैं तो वो जो कंप्लीट चेन होती है, जो सीक्वेंस होता है अमाइनो एसिड्स का, पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड मतलब जरे ये दो अमाइनो एसिड मिलकर एक पेप्टाइड बनाएंगे और बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलकर पॉलीपेप्टाइड बनाएंगे। तो जो पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई है वो बेसिकली प्रोटीन बनी, तो वो प्रोटीन है। ठीक है, तो वो जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो जो बेसिक चेन है, अभी हम चेन है, अभी हम आर ग्रुप्स की बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो वो जो बेसिक चेन है जिसमें सारे के पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स हैं वो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहलाता है, और जिसको हम प्रोटीन बैकबोन भी कहते हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन वो होता है जो कि सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड से वजूद में आता है, पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर जो अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं। अच्छा, अब ज़्यादा समझने वाली बात यहाँ से शुरू होती है जब हम आते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है? लोकल फोल्डेड स्ट्रक्चर्स दैट फॉर्म विद इन अ पॉलीपेप्टाइड ड्यू टू इंटरेक्शंस बिटवीन एटम्स ऑफ द बैकबोन। ठीक है, ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ये विद इन अ प्रोटीन होता है। ठीक है, विद इन अ प्रोटीन। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है? अभी हमने सबसे पहले पढ़ लिया कि जी प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर तो वो मेन स्ट्रक्चर है जो कि भाई तमाम अमाइनो एसिड एक लाइन में खड़े हुए। ठीक है, बैकबोन हो गई किसी भी प्रोटीन की। ठीक है, नाउ अब ये जो अमाइनो एसिड एक साथ खड़े हुए हैं ना,
ये एक साथ खड़े होने की वजह से इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कार्बोनाइल, क्योंकि आपको पता है कि प्रोटीन में या अमाइनो एसिड में कार्बोनाइल ग्रुप भी है और अमाइनो ग्रुप भी है, ठीक है। तो कार्बोनाइल और अमाइन एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं बहुत आराम से, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, कार्बोनाइल और अमाइन ग्रुप की आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। अब आप कहेंगे कि अब जैसे कि हम प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, ठीक है, अब आप ये कह सकते हैं कि भाई ये तो पेप्टाइड बॉन्ड बन गया ना, अब इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या सवाल, ठीक है ना, कि ये तो एक दूसरे से करीब होके वैसे ही एक पेप्टाइड बॉन्ड बना सक चुके हैं। तो अब इन दोनों, यानी ये कार्बोनाइल का ये ऑक्सीजन और इस नाइट्रोजन के हाइड्रोजन में अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगी? तो आपने बिल्कुल सही कहा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन में नहीं होगी जो कि एक दूसरे से कार्बोनाइल और अमाइन ग्रुप पेप्टाइड बॉन्ड बना रहे हैं, बल्कि कहाँ होगी, बल्कि विद इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन होगी। कैसे? जैसे कि आपने देख आप समझ सकते हैं कि एक पूरी इतनी बड़ी प्रोटीन है जिसमें कि लेट सपोज 100 या 100 से ज़्यादा अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। तो अब सारे अमाइनो एसिड एक साथ एक लाइन में तो खड़े होने से रहे, पेप्टाइड बॉन्ड तो ठीक है बन गया लाइन में, ठीक है, लेकिन अब जब वो अपने आप की एनर्जी कम करने की कोशिश करेंगे तो वो फोल्ड होंगे, और फोल्ड होने की कोशिश में कोई सा भी कार्बोनाइल किसी भी नाइट्रोजन के हाइड्रोजन से अट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है, ये इससे अट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। तो अब डिपेंडिंग ऑन दी स्ट्रक्चर इन 3 डायमेंशन, हमारे पास लोकली फोल्डेड सब स्ट्रक्चर्स बनते हैं विद इन अ प्रोटीन, जिसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहा जाता है। ये जो सब स्ट्रक्चर या सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है किसी भी प्रोटीन का, ये 2 तरीके से बनते हैं। एक कौन सा तरीका होता है इनके बनने का? एक तरीका होता है अल्फा हेलिक्स, और दूसरा तरीका कौन सा होता है प्रोटीन के स्ट्रक्चर बनने का? बीटा शीट्स। अब ये अल्फा हेलिक्स कैसे बनते हैं और ये बीटा शीट्स कैसे बनते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है? अच्छा, अब हम पहले देख लेते हैं अल्फा हेलिक्स क्या होते हैं। अल्फा हेलिक्स, इन एन अल्फा हेलिक्स द कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड इज हाइड्रोजन बॉन्डेड टू द अमाइनो हाइड्रोजन एटम ऑफ अमाइनो ग्रुप ऑफ एन अमाइनो एसिड दैट इज 4 डाउन द चेन। 4 डाउन द चेन का मतलब क्या हुआ? मतलब 4 कार्बन के बाद जो कार्बन आ रहा है, ठीक है। इसको मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए देखें आगे क्या लिखा हुआ है। द कार्बोनाइल ऑफ अमाइनो एसिड नंबर 1 वुड फॉर्म अ हाइड्रोजन बॉन्ड टू द एन एच ऑफ अमाइनो एसिड नंबर 5, ठीक है। अब ये चीज़ तो देखें बिल्कुल क्लियर है कि अगर कार्बोनाइल ग्रुप अमाइनो एसिड नंबर 1 का कार्बोनाइल ग्रुप अमाइनो एसिड नंबर 5 के अमाइनो ग्रुप से, ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप का ऑक्सीजन अमाइनो एसिड नंबर 1 और अमाइनो ग्रुप का नाइट्रोजन अमाइनो एसिड नंबर 5 से जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा तो उस सूरत में क्या होगा? लोकली फोल्डेड अल्फा हेलिसेस बन जाएंगे, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ठीक है। पहले ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन थी, ये आपको नजर आ रही है, ये स्ट्रेट चेन है प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या हुआ कि अब ये फोल्ड क्यों होती जा रही है इस तरीके से कॉइल में? क्योंकि फर्स्ट अमाइनो एसिड का कार्बोनाइल अट्रैक्ट हो रहा है 5th अमाइनो एसिड के नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, जाहिर सी बात है ये इससे करीब में आ जाएगा, ठीक है ना। ये पहले तो यूँ सीधी चेन खड़ी हुई है, सीधी सीधी चेन थी, लेकिन अब ये फोल्ड क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि इनमें अट्रैक्शन होती जा रही है, ये एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं, और जिस वजह से इनमें फोल्डिंग होती जा रही है। यानी फर्स्ट का कार्बोनाइल जो है वो 5th के नाइट्रोजन को जो है अपने पास अपने करीब बना जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड की सूरत में ला रहा है। ये आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि ये फर्स्ट कार्बोनाइल समझें और ये 5th अमाइनो एसिड का एनएच समझे, ठीक है। अभी आपके सामने कितना क्लियर है कि ये इस तरीके से जो है ना इनमें अट्रैक्शन होती है हाइड्रोजन बॉन्ड की, जिस वजह से ये कॉइल बनते जाते हैं, अल्फा हेलिसेस बनते जाते हैं। अच्छा, नाउ व्हाट इज बीटा शीट, ठीक है। और बीटा शीट 2 तरीके की होती हैं, एक पैरेलल बीटा शीट होती है और एक एंटी पैरेलल बीटा शीट होती है। व्हाट इज पैरेलल बीटा शीट? पैरेलल बीटा शीट वो होती है जिसमें
एन टर्मिनल का ही अमाइन ग्रुप जो है वो एन टर्मिनल की ही कार्बोनाइल ग्रुप से अटैच हो, यानी इस चेन का भी एन टर्मिनल यहाँ पर हो और इस चेन का भी एन टर्मिनल यहाँ पर हो। तो अगर फिर ना अमाइन और कार्बोनाइल के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो पैरेलल बीटा शीट की होगी, और अगर ये एन टर्मिनल है जबकि ये सी टर्मिनल है तो इस तरह की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो एंटी पैरेलल होगी। लेकिन पैरेलल और एंटी पैरेलल से पहले जो समझने वाली चीज़ है वो बीटा शीट का अपना स्ट्रक्चर है। ठीक है, बीटा शीट का अपना स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि ये सिंगल चेन चल रही है, ठीक है, मैंने आपको बताया ये सिंगल चेन चल रही थी और इसमें अल्फा हेलिक्स बना था। ठीक है, अब इसी तरह से जो चेन चल रही है उसमें बीटा शीट बनने के भी उतने ही चांसेस हैं जितने अल्फा हेलिक्स बनने के चांसेस हैं। लेकिन वो कब बनेगी? वो जब बनेगी कि जब एक सीधी चेन ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, इनमें किसी किस्म की कोई अल्फा हेलिक्स नहीं बना। ठीक है, अब ये सीधी चेन इसके अंदर जो इसके कार्बोनाइल या एनएच ग्रुप हैं वो यूं लाइन से सीधे सीधे हैं। ठीक है, अब ये दूसरी चेन, ठीक है, जो कि इसी तरीके से सीधी जा रही होगी, और इसके कार्बोनाइल और इसके एनएच ग्रुप, इन दोनों का आपस में अगर इंटरेक्शन हो जाए हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, ठीक है, तो इस सूरत में बीटा शीट्स बनती हैं। और फिर मैंने आपसे कहा कि बीटा शीट्स पैरेलल और एंटी पैरेलल हो सकती हैं, तो ये पूरा सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। अब हम बात कर लेते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर की। टर्शरी स्ट्रक्चर इज द ओवरऑल थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड इट्स टर्शरी स्ट्रक्चर। द टर्शरी स्ट्रक्चर इज प्राइमरली ड्यू टू द इंटरेक्शंस बिटवीन द आर ग्रुप्स ऑफ द अमाइनो एसिड्स दैट मेक अप द प्रोटीन विच इंक्लूड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस एंड लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। अब ये बहुत आसान सी बात है, हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़ा था जो कि ये हो गई प्रोटीन बैकबोन, ठीक है, जिसमें जो ज़्यादा किरदार था वो पेप्टाइड बॉन्ड्स का था। पेप्टाइड बॉन्ड से हमारे पास जो है पॉलीपेप्टाइड बैकबोन बन गई, प्राइमरी स्ट्रक्चर बन गया। सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स लोकल अल्फा हेलिसेस, ये अगर आप देखें ये कहीं कहीं अल्फा हेलिक्स बन गए, कहीं घर पर बीटा शीट्स बन गई हैं। ठीक है, ये क्या था, ये कार्बोनाइल और एनएच के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। ठीक है, अब उन उन आर ग्रुप्स का क्या हुआ जो कि हर अमाइन एसिड्स के पास मौजूद हैं, मैं बात कर रही हूँ इस आर ग्रुप की। ठीक है, ये वो आर ग्रुप हैं जो कि हर अमाइनो एसिड के पास मौजूद हैं। ठीक है, अभी तक हमने जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर पढ़ा उसमें इन आर ग्रुप्स का कोई रोल नहीं था, जो रोल था वो कार्बोनाइल या एनएच के दरमियान था। ठीक है, तो ये जो आर ग्रुप्स हैं इनके दरमियान भी इंटरेक्शंस होते हैं, और कैसे हो सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, हमने अमाइनो एसिड्स की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी हैं, कुछ के पास एसिडिक आर ग्रुप्स थे, कुछ के पास बेसिक आर ग्रुप्स थे। अब अगर बेसिक आर ग्रुप वाले अमाइनो एसिड किसी एसिडिक आर ग्रुप वाले अमाइनो एसिड की साइड चेन के साथ इंटरेक्ट करेगा तो ये आयनिक बॉन्ड टाइप बन जाएगा और ये आर ग्रुप इंटरेक्शन होगा। इसी तरीके से अगर एलिफेटिक साइड चेन किसी एलिफेटिक साइड चेन के अमाइनो एसिड से इंटरेक्शन करेगी तो ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होंगे या लंडन डिस्पर्जन इंटरेक्शंस होंगे। डायसल्फाइड लिंकेजेस वो होती हैं जिसमें सल्फर कंटेनिंग जो ग्रुप्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं, वो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स के साथ इंटरेक्शन करते हैं और डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाते हैं। और इसके अलावा जो पोलर अमाइनो एसिड्स होते हैं वो जब पोलर अमाइनो एसिड्स के साथ इंटरेक्शन करते हैं या एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स के साथ इंटरेक्शन करते हैं, सॉरी पोलर पोलर के साथ इंटरेक्शन करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स बनती हैं वहाँ पर, और जो है वो पाई पाई इंटरेक्शंस होते हैं या एरोमेटिक एरोमेटिक इंटरेक्शंस होते हैं जो कि एरोमेटिक साइड एरोमेटिक चेन्स के दरमियान होते हैं। तो मतलब ये हुआ कि जितने भी आर ग्रुप्स हैं वो सारे के सारे आर ग्रुप्स अगर आपस में इंटरेक्शन में आ जाते हैं तो जो प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है वो मज़ीद कॉम्पैक्ट हो जाता है। ठीक है, मज़ीद कॉम्पैक्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाता है, अपनी लोएस्ट एनर्जी पर चला जाता है, और इस स्ट्रक्चर को अब हम कहते हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर, जो कि बेसिकली इसका टर्शरी स्ट्रक्चर होता है या इसका टर्शरी लेवल ऑफ स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर आ जाता है, लेकिन क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर हर प्रोटीन में नहीं होता। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है, सम प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स या सब यूनिट्स, व्हेन दीज सब यूनिट्स कम टुगेदर दे गिव द प्रोटीन इट्स क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या होता है कि अगर किसी प्रोटीन के पास एक से ज़्यादा अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन्स मौजूद है एक जैसी, ठीक है,
ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन हो गया, ये दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन हो गई, ये दोनों बिल्कुल एक जैसी हैं, सेम है, ठीक है। तो अगर किसी के पास रिपीटिंग पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं तो वो रिपीटिंग पॉलीपेप्टाइड चेन्स जब आपस में क्रिस्टल स्ट्रक्चर की सिमेट्री में आती हैं, यानी डाइमर या ट्राइमर की सिमेट्री में आती हैं, तो फिर इसको हम क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन कहते हैं। इस तरीके से प्रोटीन के चारों स्ट्रक्चर के लेवल कंप्लीट होते हैं और इसको हम बहुत अच्छे से समराइज फॉर्म में देख सकते हैं इस पिक्चर में, जिसमें ये प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, और ये लेवल्स किस तरीके से हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में आप देखें सारा काम जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड और अमाइनो एसिड्स का है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में सारा काम हाइड्रोजन बॉन्ड्स का है, टर्शरी स्ट्रक्चर में सारा काम आर ग्रुप इंटरेक्शंस का है, और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर जब होगा जब एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स मौजूद होंगी, ठीक है। तो ये तमाम का तमाम जो हमारे पास लेक्चर था, लेक्चर नंबर 2, उसमें हमने अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन स्ट्रक्चर को डिस्कस किया है।